बीती रात अशोकनगर जिले के पिपराई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम थिरोली में पंचायत सचिव संगठन ब्लॉक अध्यक्ष के घर अज्ञात चोरों ने उस समय धावा बोल दिया जब परिवार के सभी लोग छत पर सो रहे थे। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने घर के कमरे में रखी पेटी का ताला झटका कर उसमें से रखा 20 तोले सोना, 1 किलो चांदी, 50,000 रुपए नकदी सहित 50 जिंदा कारतूस ले भागे। चोरी की ये वारदात स्थेगली गांव निवासी किसान और मुंगावली पंचायत सचिव संगठन ब्लॉक अध्यक्ष के घर की है, जहां रविवार की रात चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद सोमवार की सुबह चोरी की इस खबर के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां से टूटा बक्सा बरामद कर लिया गया और जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि रविवार की दरमियानी रात चरण सिंह यादव के घर में सभी सदस्य छत पर सो रहे थे, तभी चोर घर में घुस गए और कमरे का ताला तोड़कर कमरे में दाखिल हो गए। इस दौरान बक्से का ताला चटका कर उसमें रखा 20 तोले सोना, 1 किलो चांदी, 50,000 रुपए नकदी सहित 50 जिंदा कारतूस भी ले जाने में सफलता हासिल की। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर चोरों की पहचान में जुट गई है। अशोकनगर से ग्राउंड रिपोर्टर संजय नामदेव की रिपोर्ट। लगभग 2 बजे की वारदात है घटना की, 2 बजे, 2:30 बजे के लगभग। आप लोग कहाँ थे? हम छत पर सो रहे थे, इसके बाद नीचे रकम भी रखी थी, वो कमरा में तारे तोड़े हैं, भीतर के बक्सा के तारे तोड़े हैं, इसमें से 20 तोले के लगभग सोना है और कुछ पैसे नकद, 50,000 रुपये नकद है और 1 किलो चांदी है। मतलब चोरी, भाई आपको कोई किसी पे मतलब ऐसा संदेह वगैरह कुछ है क्या? संदेह तो किसी प्रकार का नहीं है, लेकिन आगे जाके जो संभाग उसके बारे में बताया जाएगी। ने आपको बताया था कि हमारे घर में चोरी हो गई, जल्दी प्रयास किए जाएंगे आरोपियों को पकड़ कर बरामद। क्या क्या चोरी हुई इसमें? कुछ नकदी और जेवर, कुछ और भी सामान गया है।